काश भाभी अगर आप आज होती तो तुम्हें इतनी अजियत में ना होता, बना लेती इसको। आपकी सारी कुर्बानियां रायगा कहीं भाग गई। कुत्ते मुझे कभी माफ नहीं किया, कभी नहीं अपनाया। भाभी मैं बहुत अकेला, काश आपकी जगह मुझे मौत आ जाती। आपकी तो सबको जरूरत थी, लेकिन मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं। नौफल भी बहुत अच्छा है और तुमसे बहुत प्यार करता है, बस ये बदगुमानी की दीवार बीच में आके खड़ी हो गई है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें एतबार ना हो, जिस शख्स पे आप एतबार नहीं कर सकते उसे मोहब्बत के खाक पर नहीं। मैं जब तक नौफल की बदगुमानी दूर ना कर दूं जो तुम्हारे खिलाफ हुई भी है, मुझे चैन नहीं आएगा। नौफल सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही उसकी जिंदगी की साथी रहोगी। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, अलग नहीं। साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। नौफल लेने के लिए आया था या खुद गई थी वो? पता नहीं, मैंने बाहर जाकर देखा नहीं। पता नहीं क्या गुनाह किया था मैंने, किस बात की सजा मिली है मुझे। तो क्या मैंने किया था कोई गुनाह? क्या बात कर रही हो तुम? तुम ही तो थी जो गुलाम फातिमा को ताने दिया करती थी, उनको तकलीफ पहुंचाती थी, उनकी खुशियों से झगड़ा करती थी। भूल गई? ऐसा एक बात याद रखना, किसी यतीम का हक मांगना, उस पर झूठे इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। जानती हो तुम, जब से मैंने फातिमा के शौहर के इंतकाल की खबर सुनी थी, मैंने इसीलिए अपना रवैया नरम कर दिया था। और जानती हो गुलशन में इतनी शफकत से क्यों पेश आता था? ताकि उसे कभी अपने बाप की कमी महसूस ना हो। और सिर्फ तुम्हारे ही बहकाने पर मैंने एक बार उस पर इल्जाम लगाया, और सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगाया, अम्मा का दिल भी दुखाया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने माफी मांग ली थी। लेकिन आज भी मेरा दिल दुखता है उस बात को लेकर। लेकिन तुमने कभी अम्मा से माफी मांगी? अम्मा से, फातिमा से कितनी बार बदसलूकी की, याद है कुछ तुमको? अब तो सिर्फ यही दुआ अल्लाह से है कि हमारी बेटी नाफरमानी से है, लेकिन उसको वो अपने हफ्सोमान में रखे। बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया उसने, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ करूंगा, बस किसी तरह खुश रहे। आमीन।